साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CPET 2021 में जो भी क्वेश्चन लीनियर एलजेब्रा से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है। साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये CU CET में आ गया पहले, राइट, अब CPET में आ गया है। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर आर, देखो वी ओवर एफ लिखने का मतलब क्या है, वी ओवर एफ मतलब ये वाला फील्ड के लिए यूज लेते हैं जिस पर वो वेक्टर स्पेस होता है, ये अपनी वी वेक्टर स्पेस, वी ओवर एफ मतलब वी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। देन ये बोल रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर सी वेक्टर स्पेस है ओवर रियल नंबर आर पे, बिल्कुल है। कॉम्प्लेक्स नंबर सी ओवर क्यू वेक्टर स्पेस है, बिल्कुल है। अब यहां देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सी ओवर जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर सी ओवर जेड, जेड फील्ड है क्या, जेड नॉट फील्ड। अगर भैया फील्ड ही नहीं है तो ये इस पर वेक्टर स्पेस कहां से बना लेगा। वी ओवर एफ का मीनिंग क्या होता है, ये वाला फील्ड होता है, ये वाला वेक्टर स्पेस, जबकि यहां जो गिवन है सी ओवर जेड, जेड इज नॉट फील्ड, राइट, तो ये दिस कांट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, राइट, तो इसमें ऑप्शन सी विल बी ट्रू, राइट, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आप सबको पता होगी, राइट, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में है ना मोस्ट ऑफ दो तीन चीज देखी जाती है वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस में दो तीन चीज देखी जाती है। इन दिस केस यहां तो क्या है, ये फील्ड नहीं है जिस पर यह बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सी वेक्टर स्पेस है ओवर जेड पे, लेकिन यहां तो अपना जेड क्या है, फील्ड भी नहीं है, राइट, तो यहां तो कि डिस्कार्ड हो गया। अदरवाइज जीरो बिलोंग करना चाहिए, अल्फा डॉट वी बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी और वी वन प्लस वी टू, ये बिलोंग करना चाहिए। अमूमन ये चीज सेटिस्फाई नहीं करता है तो वेक्टर स्पेस, देखो इस वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन आता है अमूमन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सबस्पेस, इनमें से कौन सबस्पेस नहीं है। उनमें एक तो ये वाला चेक करने पे काम बन जाता है, या मान लो किसी में अल्फा बिलोंग्स टू वी अगर हम दिखा दें माइनस अल्फा डजंट बिलोंग्स टू वी, देन वो सबस्पेस या वेक्टर स्पेस नहीं होगा, राइट, लेकिन मेजर इतना से काम चल जाता है, अल्फा इक्वल टू माइनस वन ये पर्टिकुलर कंडीशन है, राइट, वन टू दो से काम चल जाता है अपना किसी ऑप्शन को भगाने के लिए, राइट, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो नीचे वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका मॉडिफाइड वर्जन भी डिस्कस करेंगे। साथियों ए अपने को 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, अपने को पूछा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब देखो जब कोई भी मैट्रिक्स ए 3x3 का होता है उसके लिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल काफी टाइम बता दिया है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स 3x3 क्या आएगा, एक्स क्यूब या लेमडा, तो लेमडा क्यूब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए या कोफैक्टर ऑफ, देखो ऐसा होता ना a11 a22 a33, राइट, तो a11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, राइट, a11 मतलब इसका कोफैक्टर प्लस a33 का कोफैक्टर x माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a, राइट, ये क्या बन गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए या कोफैक्टर ऑफ a11 कोफैक्टर ऑफ a22 प्लस कोफैक्टर ऑफ a33, राइट, ये तो आपने पता होगा जब एडजॉइंट निकालते हैं तो आपने सब पढ़ा होगा कोफैक्टर निकालना, तो बराबर है। ये किसका होता है, ये एक 3x3 का मॉडिफाइड वर्जन पूरा डिस्कस करूंगा इसका। अगर 2x2 हो देन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटरमिनेंट ए, ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में चलता रहता है, माइनस प्लस, ठीक है ना, इसका विषय ध्यान रखना। अपने वाले पे आ जाओ, क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ट्रेस ए क्या है, ट्रेस मतलब जो डायगोनल एंट्री का सम है, ट्रेस क्या होता है
डायगोनल एंट्री का सम है A11 प्लस A22 एंड सो ऑन, अगर n क्रॉस n तो ANN बराबर है, माइनस ट्रेस ऑफ 2 7 6, प्लस का सिखा 6 आ रहा ना, प्लस 6 6x, या लेमडा करना चाहो तो लेमडा कर दो अपने यहाँ, ठीक है ना, आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसमें प्लस लेमडा है इसको भगा दिया, प्लस इसका कोफैक्टर कितना आएगा -5, इसका कोफैक्टर किसका 5 का कोफैक्टर तो -2, प्लस 2 0, प्लस -1 का कोफैक्टर क्या आएगा 10, लेमडा माइनस डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा प्लस 5 लेमडा। अब देखो ये किसमें नहीं है, यहाँ प्लस लेमडा नहीं है इसको भगा दिया, यहाँ प्लस लेमडा नहीं है इसको भगा दिया, एग्जाम में डिटरमिनेंट निकालने को टाइम वेस्ट ना करो, डिटरमिनेंट जो भी आएगा आपको टाइम लग सकता है। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सारे ऑप्शन भागे, एक बच गया। अब आप मेरे को पूछोगे डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो मैं क्या बताऊंगा, डिटरमिनेंट आएगा साथियों 12 आएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा 12 है, राइट, जो यहाँ गिवन है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, डिटरमिनेंट आएगा 12 है तो -12 है, ये क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, ठीक है, ये वाला यूज किया। ऑप्शन पर आपकी पेनी नजर होनी चाहिए, डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट आप निकालो तो ठीक है, नहीं निकालो तो बिना निकाले ही काम बन जाएगा, आप डिटरमिनेंट निकालते रहना आपकी जो भी मेथड है शॉर्ट मेथड से, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्मार्ट तरीके से डिटरमिनेंट निकालने का टाइम बचेगा एग्जाम में, कैसे बचेगा, हमारी टेक्निक से चलोगे, एक ऑप्शन और साथ साथ देखते चलोगे ना, अगर एग्जाम ऑनलाइन होता ना तो पेपर में पता क्या लिखोगे, आपको जो रफ कॉपी मिलती है उसमें लिखोगे ABCD, ठीक है, ये भाग गया इसको लिख दिया, फिर ये भागा इसको भगा दिया, फिर आपको पता लगा यहाँ अपना कितना आना चाहिए प्लस 5 लेमडा, इसमें माइनस है इसमें भी माइनस 5 लेमडा है, ए भी भाग गया और डी भी भाग गया, बचा कौन बी, तो फिर बी लगा दिया, राइट, क्यों, आपको वहाँ एग्जाम में नीचे पेन तो मिलेगा नहीं कि वहाँ से उसको क्रॉस कर दे, तो इस टाइप से रफ कॉपी पे लिख सकते हो आप, राइट, ऐसा बताना बताते नहीं है लेकिन मैं अगर मैं होता तो मैं वैसा करता, ठीक है ना। अब देखो और किस हिसाब से पूछ सकते हैं इसको, अब और किस हिसाब से पूछ सकते हैं, देखो देन देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या आ गया, खेल यहीं शुरू होता है, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 12, सॉरी प्लस 5 लेमडा माइनस 12, ये इसका क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, ठीक है साथियों। अब देखो पता है मैं क्या पूछता हूं, देन वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए देन इसकी वैल्यू क्या होगी, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे दिया आपको, क्या क्या ऑप्शन दे दिया, 12 आइडेंटिटी माइनस 12 आइडेंटिटी 0 12 0 12 ए, ठीक है। अब कौन सा होगा देखो, राइट, ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा दिस होगा अब देखो एक साथियों केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं इसको, मेरे को कोई शौक नहीं है बताने का, सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, राइट, दिस मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए, अक्ष के स्थान पे ए रख दोगे तो वो आएगा जीरो मैट्रिक्स, अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो, अक्ष के स्थान पे जीरो ए रख दोगे तो क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स, अपने यहां क्या आएगा देखो, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए
माइनस 12 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। साथियों ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है 3x3। यहाँ देखो आइडेंटिटी लगाने का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। अब ये इक्वेशन है किस फॉर्म में, मैट्रिक्स। तो केली हैमिल्टन थ्योरम से एक का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, देन ए इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स दिस इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो ये वाला क्या आएगा, देखो ये वाला क्या आएगा, ये आएगा 12 आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, 12 आइडेंटिटी बराबर है। प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। और किस हिसाब से पूछ सकता है, नोट करना चाहो कर लो। ए स्क्वायर 6a 5 आइडेंटिटी, ये क्या आएगा। अब इसके लिए भी ऑप्शन देख लीजिए, ए ए इनवर्स 12 आइडेंटिटी, सॉरी 12 आइडेंटिटी, ठीक है। अब क्या आएगा ये भी देख लो, एक का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, एक का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, राइट। देन ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स से ऑपरेट कर दो, ए इनवर्स से करेंगे, यहाँ क्या आएगा, ए टू माइनस 6a प्लस 5 आइडेंटिटी माइनस 12 ए इनवर्स इक्वल टू 0, राइट। वैल्यू चाहिए इसकी, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये उधर चला जाएगा, क्या जाएगा, 12 ए इनवर्स, राइट। तो 12 ए इनवर्स इस केस में ये ट्रू हो जाएगा, राइट। एन केन प्रकारेण केली हैमिल्टन थ्योरम से इक्वेशन आएगा, गारंटेड आएगा, राइट। चाहे कैसा भी पेपर बनाए बंदा, कैसा न बनाए, ये केली हैमिल्टन थ्योरम पे एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है, राइट। अदरवाइज मेरे को शौक नहीं है एक डिस्कस कराने का, राइट, क्योंकि पेपर सॉल्यूशन कराना हमारा मकसद नहीं है, पेपर का पूरा पोस्टमार्टम कराना ये हमारा मकसद रहता है, राइट। तो केली हैमिल्टन थ्योरम पर इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और किस हिसाब से पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है इफ, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, देखो इफ ए सेटिस्फाइज, ए 3x3 मैट्रिक्स है, सेटिस्फाइज ए स्क्वायर माइनस 5a ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 6a इक्वल टू 0, देन ए इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ए इसको सेटिस्फाई करता है, इसका पता मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का क्या है, या तो यह होगा या इसको डिवाइड करेगा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, या तो यह होगा या इसको डिवाइड कुछ करने वाला होगा। लेकिन यहां एक चीज क्या पता है, ये तो डिटरमिनेंट वाले टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। देन एज सिंगुलर, एज सिंगुलर, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर एज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म नहीं है, कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म नहीं है, जो डिटरमिनेंट ए की होनी चाहिए, कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म नहीं है, कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म नहीं है, दिस मींस उसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब ए क्या है, सिंगुलर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार देखो 2x2 के लिए पूछ ले, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका काम हो जाएगा। केली हैमिल्टन थ्योरम वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ध्यान क्या रखना है, प्लस माइनस का। आप कैलकुलेट करोगे प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करोगे, पहले माइनस लिख लोगे, एक्स क्यूब माइनस समथिंग, राइट, इस प्रकार से, फिर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस अंदर लिखना, ताकि गड़बड़ ना हो आपकी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,